नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ दमन चक चलाने वाले चीन ने अब ईसाइयों के खिलाफ तानाशाही फरमान जारी किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आदेश दिया है कि ईसाई धर्म मानने वाले लोग अपने घरों से जीसस की तस्वीर और क्रॉस को हटाकर राष्ट्रपति जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग की फोटो लगाए। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन पहले से ही धार्मिक आजादी को कुचलने के लिए बदनाम है। इस आदेश के पहले ही सुनकर ने हुबेई, जियांगसू, झेजियांग, अनशोई समेत कई राज्यों में सहित हजारों चर्चों से जीसस की तस्वीर और क्रॉस को हटवा दिया है। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि चीनी सरकार के आदेश पर कई चर्चों में तोड़फोड़ भी की गई है। चीन में ईसाइयों की आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास है। चीन पर आरोप है कि उसने शिनजियांग प्रांत में रहने वाले लाखों उइगुर मुसलमानों को मानवाधिकार का हनन करते हुए उन्हें डिटेंशन कैंप में कैद कर रखा है, जबकि लाखों लोगों की विरोध के नाम पर गुपचुप तरीके से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, मुसलमानों की चीन जबरन नसबंदी भी करवा रहा है, जिससे इनकी आबादी ना बढ़ सके। चीन के ऊपर ये भी आरोप है कि वह उइगुर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता खत्म कर चुका है। दुनिया भर के मुसलमानों के मसीहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मुंह से उइगुरों को लेकर आज तक एक शब्द नहीं निकला है। ये सभी देश इस मामले में पढ़कर चीन की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, जबकि धरती के दूसरे किसी भी हिस्से में मुसलमानों को लेकर इनका रवैया एकदम सख्त रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।